में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। कहा है तो करेंगे ये योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी निगहबानी में प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था के डंके पीटे जा रहे थे, लेकिन प्रयागराज में जो पलीता हुआ उसका अंजाम फिर से नजीर बनने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कथनी को करनी में बदलते देर नहीं लगाते। शनिवार को सदन के पटल पर इसका ऐलान कर दिया गया था कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। प्रयागराज में हुई गोलीबारी के बाद अब वक्त यूपी पुलिस के एक्शन का है, जिसका दो दिन पहले बिगुल भी बज चुका है। भरी सभा में मिट्टी में मिलाने का ऐलान करने के बाद से ही पुलिस दिन रात एक कर माफियाओं को पाताल लोक पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। योगी ने जो कहा था उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब नतीजा सबके सामने ये रहा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई प्रयागराज के नेहरू पार्क इलाके में की गई। उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्यारों में आरोपी अरबाज के भी शामिल होने की बात कही जा रही थी। बताया जा रहा है कि उमेश पाल के गनर पर गोलियों की बौछार करने वाला अरबाज वारदात को अंजाम देने के बाद नेहरू पार्क के जंगलों में छिपा बैठा था, जहां इनपुट मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो आहट पाते ही आरोपी अरबाज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके सीने और पैर में गोली लगी। हालांकि पुलिस ने अरबाज को गंभीर अवस्था में अस्पताल में उसे भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की तरफ से शुरू हुई कार्रवाई में अभी और भी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के मुखिया ने मिट्टी में मिलाने की बात की है तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई नजीर बनने वाली है। 25 तारीख की सुबह श्री उमेश पाल की पत्नी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34 भादवी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 CLA एक्ट के अंतर्गत इस मुकदमे में माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र, ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं, एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं दो नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में जनपद प्रयागराज की पुलिस की 10 टीमें इसमें इन अपराधियों के ढूंढने, तलाशने और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए इस समय जगह जगह दबिश दे रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं। और एज पुलिस कमिश्नर जनपद प्रयागराज, मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस जघन्य कांड में, इस दुखद कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथी सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध पुलिस की कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जो कि भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में बाकी आरोपियों के गुनाहों की तारीखें पड़ेंगी या फिर फैसला ऑन द स्पॉट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।